हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 14, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड का मतलब होता है चाल, डिस्टेंस का मतलब दूरी एंड टाइम का मतलब समय। तो आज हम जानेंगे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है। इसी से रिलेटेड हमें कुछ फॉर्मूले दे रखे है। स्पीड हमारी इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम एंड टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे स्पीड कर लेना है, पर टाइम गलत लिखा हुआ है। सो, हमें डिस्टेंस और टाइम दे रखा होगा, हमें स्पीड फाइंड करनी होगी। स्पीड और टाइम दे रखा होगा, डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। डिस्टेंस और स्पीड दे रखी होगी, हमें टाइम फाइंड करना होगा। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, आवर से मिनट में चेंज करना, आवर से सेकेंड में चेंज करना, और 14.1 के हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। जो भी हमने डिस्टेंस कवर करा यूनिट टाइम के अंदर, वही हमारी स्पीड होती है। अब यूनिट टाइम क्या होता है, यूनिट टाइम का मतलब हमारा वन, जैसे वन आवर में कितना चले, वन मिनट में कितना चले, वन सेकेंड में कितना चले, तो वही हमारी स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ स्पीड ऑफ अ कार इज़ 56 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स कार कवर्ड 56 किलोमीटर इन वन आवर। मतलब वन आवर में उसने 56 किलोमीटर कवर करे है। नेक्स्ट डिस्टेंस क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि हम कितना दूर चले हैं एक जर्नी में, जो हमारी दूरी है, जो डिस्टेंस है, कि हमारी लेंथ कितनी है, कि कहाँ से लेके कहाँ तक हम चले हैं। टाइम क्या होता है, टाइम टेकन टू कवर्ड रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड टाइम। कि हमने एक जर्नी को कंप्लीट करने में या एक डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया है। सो, हमारा फॉर्मूला हमें कि कुछ याद करने हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखते हैं। वन किलोमीटर में हमारे वन आवर 1000 मीटर होते हैं, ठीक। वन आवर का मतलब क्या है, एक घंटे में हमें 60 मिनट्स होते हैं। और लेकिन हमें सेकंड में बताना हो तो कैसे करेंगे, 60 तो हमारा हो गया, लेकिन एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 60। तो 60 इंटू 60 हमारे कितने हो गए, 3600 सेकंड। वन आवर में 60 मिनट्स एंड वन आवर में 3600 सेकंड। या तो हम बताएंगे किलोमीटर पर आवर में, या हम बताएंगे मीटर पर सेकंड में। जब हम किलोमीटर पर आवर में बताएंगे, देखो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। वन किलोमीटर में वन आवर 1000 मीटर, वन किलोमीटर 1000 मीटर, और वन आवर में कितने सेकंड होते हैं हमारे, 3600। जब हम इसे डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 5/18। तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर। सो 36 किलोमीटर पर आवर, जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। 18 2 36, हमारे यहाँ पे आ गया 2 and 5, 2 5 10, तो हमारा क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है एक सेकंड में 10 मीटर, और किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब था, एक घंटे में 36 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 90 किलोमीटर पर आवर। सो 90 का 90 आ गया, अब इसे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। सो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 5 90। अब 5 into 5, 5 5 25, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक सेकंड में 25 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं बी क्या है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर पर आवर, इसी का उल्टा। अब की बार मीटर पर सेकंड में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में हमें फाइंड करना है। फर्स्ट हमारा 15, जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 उल्टा कर देते हैं। 5 3 15, 3 and 18 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 54। सो 54 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 90 मीटर पर सेकंड, सो सेम करना है हमें, 90 into 18/5,
फाइव से जब हम 90 को डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 18, और 18 की मल्टीप्लाई जब 18 में करेंगे तो 324 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसमें फोर क्वेश्चन थे, टू मैंने करवाए, टू आपको अपने आप करने हैं। क्वेश्चन नंबर सी, ए ट्रेन कवर्स 520 किलोमीटर डिस्टेंस इन 8 आवर। एक ट्रेन है जो 520 किलोमीटर को 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, डिस्टेंस कवर कर लेती है, और हमें स्पीड बताना है कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसने डिस्टेंस कितने कवर करी थी, डिस्टेंस कवर्ड 520 किलोमीटर, टाइम टेकन कितना टाइम लिया था 8 आवर में, 8 आवर में 520 किलोमीटर। सो डिस्टेंस की जगह पे हम लिख देंगे 520 अपॉन टाइम की जगह पे लिख देंगे 8, और 520 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 65 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर कैसे आ रहा है, डिस्टेंस का तो आ गया किलोमीटर और टाइम का आ गया आवर, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है, अ बस कवर्स 320 किलोमीटर डिस्टेंस इन 8 आवर। एक बस है जो 320 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 आवर में कवर करती है, स्पीड बतानी है। सेम क्वेश्चन, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस कवर किसने करी, उसने डिस्टेंस कवर्ड 320 किलोमीटर, टाइम कितना लिया, टाइम टेकन 8 आवर। स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, स्पीड पूछी है तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम पूछेगा टाइम का लगाएंगे, ठीक। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 320, टाइम है 8, 320 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जो 32 4 आ गया, एंड 0 की 0, तो 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर ई में क्या देखा है, एन एरोप्लेन कवर्स 2975 किलोमीटर डिस्टेंस इन 15 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। स्पीड निकालनी है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2975 अपॉन 15, तो हमारा जब हम इसे डिवाइड करेंगे 15 से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, एक कार ट्रेवल्स 497 किलोमीटर डिस्टेंस इन 7 आवर। एक कार है जो 497 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 7 आवर में, फाइंड द स्पीड ऑफ कार। हमें कार की स्पीड फाइंड करनी है लेकिन मीटर पर सेकंड में, दे रखा है इसने किलोमीटर और आवर में, हमें किस में फाइंड करनी है, मीटर पर सेकंड में। सो क्वेश्चन नंबर एफ देखते हैं, डिस्टेंस कवर कितनी करी उसने 497 किलोमीटर, टाइम कितना लिया 7 आवर का, तो स्पीड हमें बतानी है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 497, टाइम हमारा क्या आ गया 7। जब हम 497 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा डिवाइड होगा 71 टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आ गया 71 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब हमें इसे चेंज करना है, अब हमें किलोमीटर पर आवर में आंसर नहीं बताना, हमें बताना है मीटर पर सेकंड में। तो अभी जो हमने क्वेश्चन करे थे, जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब 18 के टाइम में हमारा 71 आता नहीं, अब क्या करें, तो हम पहले 71 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेती है, हमारा आ गया 355, और इसे हम डिवाइड कर दें 18 से। जब हम 355 को 18 से डिवाइड करेंगे 19.72 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन रनिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर इन 3 आवर्स। हमें जो है फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस बतानी है एक ट्रेन, और उसकी स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, और कब तक चली वो 3 आवर्स तक, तो डिस्टेंस बताना है हमें। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है 3 आवर्स का, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड की जगह पर 75, टाइम की जगह पर 3। सो 75 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 225 किलोमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जे, क्वेश्चन नंबर जे में क्वेश्चन नंबर एच और आई बिल्कुल सेम है, आपको अपने आप करने। क्वेश्चन नंबर जे है, एन एरोप्लेन कवर्स
2157.5 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 863 किलोमीटर पर आवर। एक एरोप्लेन है जिसने इतनी डिस्टेंस को कवर करा और कितनी स्पीड से, 863 किलोमीटर की स्पीड से। और हमें टाइम बताना है, जब हमें टाइम बताना है तो हमें टाइम का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है, 2157.5 और स्पीड की जगह पे क्या आ गया, 863। जब हम इसे 836 इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है 63 है, ये जो है गलती से लिख गया यहाँ पर, तो इसको आप चेंज करके यहाँ पे लिख लेना 863। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2157.5 को 863 से, तो हमारा आएगा 2.5, ये नहीं आएगा हमारा 2.5 आवर्स। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के। के में उसने दे रखा है, ए मैन इज गोइंग ऑन साइकिल एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 4 hours 10 minutes। एक आदमी है जो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से जा रहा है, तो वो पूछे कि उसने कितने डिस्टेंस कवर करेगा वो 4 hours 10 minutes में। सो क्वेश्चन नंबर के देखते हैं, तो स्पीड कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर के, टाइम कितना दे रहा है वो 4 hours 10 minutes का। अब यहाँ पे दे रखा है मिनट्स, और यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है आवर्स, तो मिनट्स को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा, इसे लिख लेंगे 4 + 10। अब इसे 10 को हमें, मिनट्स को हमें आवर में चेंज करना है, तो हमारा जो है एक मिनट में कितने घंटे होते हैं तो पता नहीं, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 4 का 4 प्लस 1/6, 1 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा 0.16, और 4 में अगर हम 0.16 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4.16 आवर्स। अब हमें बताने क्या थी, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है 18 इंटू टाइम हमने निकाल लिया 4.16। जब हम 18 की मल्टीप्लाई 4.16 में करेंगे हमारा आंसर आएगा 74.88 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर के हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एल। क्वेश्चन नंबर एल में दे रखा है, राहुल टेकन 15 मिनट्स टू गो टू द स्कूल एंड 20 मिनट्स टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल। राहुल है, उसे स्कूल जाने में 15 मिनट लगते हैं और वापस घर आने में 20 मिनट लगते हैं बाय द बाईसाइकिल, साइकिल से जब वो जाता है। इफ़ स्कूल इज़ 4.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द होम। अब घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो 4.5 है, तो मतलब 4.5 पहले गया फिर 4.5 वापस आया, तो टोटल कितना गया, 9, 4.5 और 4.5 दो बार गया ना, पहले गया और फिर आया, तो टोटल उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, 9। फाइंड द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, देखिए टाइम, पहले टाइम देखते हैं कि भाई उसने 15 मिनट्स जाने में लिए, 20 मिनट्स आने में लिए, तो टोटल टाइम कितना लिया उसने, 35 मिनट्स। अब हम इस मिनट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं आवर में, मिनट्स को कवर हमें आवर में चेंज करना हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहा था 60 से डिवाइड, 35 को 60 से डिवाइड करेंगे 0.58 आवर्स, ये हमारा टाइम आ गया। डिस्टेंस कितनी है भाई, 4.5 गया 4.5 आया, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, 9 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई 9, 4.5 और 4.5 9, टाइम अभी हमने फाइंड करा 0.58। अब यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, हमने डेसिमल को हटाया, 1 and 2 नंबर्स के आगे डेसिमल है, तो डेसिमल को हटा के ऊपर 2 जीरोस, 9 की मल्टीप्लाई 100 में 900 डिवाइड बाय 58। जब हम 900 को 58 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 15.51 किलोमीटर पर आवर। सो क्वेश्चन नंबर एल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमने इस पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो छुड़वाया है 2-3, अगर वो आपसे नहीं होते तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे हम अगली वीडियो लेक्चर में।